गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जिस तरह जैसे आप ट्रांसलेशनल मोशन में आप लोग पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे ही इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो स्टार्ट जो करते हैं हम आज, स्टार्ट में आपको ये बता दें कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। यदि कोई बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे जो जिसका एक्सिस उस बॉडी के अंदर से ही पास हो, है ना। यदि कोई बॉडी यदि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर से ही पास हो रहा हो, तो वो मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है जनरली टू डायमेंशनल मोशन होता है। और जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही ट्रांसलेशनल मोशन में भी इक्वेशन होता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे, तब सब कुछ समझ में आएगा। और चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो इसमें ये बता दें, थोड़ा सा ये बता दें, जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो u होता है इसके बदले इसमें ओमेगा नॉट लिखेंगे। एंगुलर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल इसमें एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये एक्सेलरेशन, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये टाइम तो इसमें भी टी ही रहेगा। यानी आपको बता दें, ये जो सब कुछ ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, ये सब कुछ रोटेशनल मोशन में होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ते थे, इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस वाले में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये एंगुलर वाले में रोटेशनल मोशन में ये पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और सेकंड इक्वेशन इसका, जैसे ये इसका आप जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ट्रांसलेशनल में, तो इसका सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसका थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, तो पहले थर्ड उसका क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, है ना। तो ये इक्वेशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है, और ये जो है वो रोटेशनल मोशन का, ये इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में ये फर्स्ट है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। और इन इक्वेशन को प्रूव कैसे करेंगे, इन इक्वेशंस को हम प्रूव करके दिखाते हैं अभी, कि ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव होंगे, तो इंटीग्रेशन मेथड से इनको हम ला के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे आता है, इनका प्रूफ।
लास्ट वाला देखिए कैसे होगा, वी नो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ये होता है, तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। अब ये आपको बता दें, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लेना पड़ेगा, तो ये बता दें टाइम के लिए जो लिमिट लिया जाएगा, टाइम के लिए जीरो और टी लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो लेंगे और थीटा लेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए जब लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। देखिए टाइम को, जब टाइम की लिमिट लेंगे तो जीरो से टी लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लेंगे तो जीरो से थीटा लेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी की जब लिमिट लेंगे तो क्या लेंगे, ओमेगा नॉट से ओमेगा लेंगे। तो ये ध्यान देना है। तो ये आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसमें, इधर ओमेगा का टर्म है, इधर टी का टर्म है, ओमेगा यानी वेलोसिटी है, टी यानी टाइम। तो जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक साइड की लिमिट जो है वेलोसिटी की लेना पड़ेगा, एक साइड लिमिट वेलोसिटी का लेंगे, एक साइड लिमिट टाइम का। तो यहाँ देखिए क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट। तो इधर ओमेगा नॉट ओमेगा और ये डी ओमेगा, और इधर अल्फा डी टी और ये जीरो टी। अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में बता दें, वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर वन डी ओमेगा है, तो ये ओमेगा, और इसको बोलेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसमें अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये टी, और ये टी जीरो। ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स वन डी एक्स से एक्स होता है, तो वन डी ओमेगा से ओमेगा हो गया, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। इसमें अल्फा को बाहर कर लिया तो वन डी टी, अल्फा को बाहर कर दिए तो वन डी टी, तो वन डी एक्स से एक्स, तो वन डी टी से टी हो गया। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ये आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट में ओमेगा का टर्म है तो ओमेगा की लिमिट, टाइम का टर्म है तो टाइम की लिमिट, डिस्प्लेसमेंट का टर्म रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लेंगे, ये ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं,
सेकंड के लिए। तो इसमें देखिए वी नो इसमें क्या होता है, देखिएगा वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब यहाँ पर डी थीटा इक्वल टू ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने रख दिया, ये ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अभी जो आया फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता ना है, तो इस ओमेगा की जगह पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर इधर जो टर्म है आगे देखिएगा, इधर टर्म थीटा का है, इधर टर्म टाइम का है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर की लिमिट जीरो और थीटा होगी और इधर की लिमिट जो होगी वो जीरो और टी होगी। तो इसमें भी लिखते हैं वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, तो इधर जीरो से थीटा डी थीटा और ये जीरो से टी ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी डी टी, तो ये जीरो से थीटा डी थीटा ये ओमेगा नॉट डी टी और ये जीरो से टी और प्लस ये अल्फा टी डी टी और जीरो से टी। क्या किया, जीरो से थीटा लिमिट इसका ले लिया, जीरो से टी इसका ले लिया, अब इसको अलग से लिख दिए, इसको अलग से लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा जीरो तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी और ये टी और जीरो, इसमें अल्फा बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन, ये देख लीजिए एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टी डी टी है तो क्या हो जाएगा हैं, देखिए यहाँ एक्स डी एक्स से एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन है, तो यहाँ टी डी टी अल्फा को तो बाहर कर दिया और टी डी टी है तो ये टी स्क्वायर अपॉन टू हो गया। अब लिमिट रख देते हैं, देखिए इसकी लिमिट कैसे रखेंगे, अब यहाँ पर इसके बाद इधर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा थीटा माइनस जीरो और इसमें ओमेगा जीरो और ये टी माइनस जीरो और ये अल्फा और ये टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू, जीरो स्क्वायर लीजिए तो ये हो गया थीटा और ये ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू, ये तो जीरो हो गया, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आ गया, तो फर्स्ट भी हो गया सेकंड भी हो गया, ठीक। अब थर्ड को प्रूव कर देते हैं, तो थर्ड के लिए ठीक है देख लिए, अब थर्ड में क्या होगा देखना, थर्ड इक्वेशन के लिए आप फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी नो एंगुलर
एक्सलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, डी ओमेगा अपान डी टी, इसको डी थीटा अपान डी टी कर, डी थीटा अपान डी थीटा ऐसा तो कर सकते हैं, डी थीटा का इंटू किया डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर डी ओमेगा अपान डी टी है, इसको हम डी थीटा का इंटू भी किया डिवाइड भी किया। आगे देखिए, इसको हम ऐसा लिख देते हैं ये, और यहाँ डी थीटा अपान डी टी ये, इसको इसके साथ कर दिए, इसको इसके साथ कर दिए, ये कैंसिल होगा तो लास्ट में यही ना आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, डी ओमेगा अपान डी थीटा, और ये डी थीटा अपान डी ओमेगा, डी थीटा अपान डी टी से डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू ओमेगा हो गया ये। अब इसी को इधर भेज देते हैं तो अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें भी क्या करते हैं, इधर थीटा का टर्म है तो थीटा की लिमिट ले लेंगे जीरो से थीटा, और इधर ओमेगा है तो ओमेगा की लिमिट ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, इसमें भी वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट तो ये इधर जीरो से थीटा अल्फा डी थीटा, और इधर ओमेगा नॉट ओमेगा, और ये ओमेगा डी ओमेगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अल्फा को बाहर कर दिए और ये थीटा जीरो, और इसमें ओमेगा स्क्वायर अपान टू, और ये ओमेगा और ओमेगा नॉट। अब यहाँ अल्फा थीटा माइनस जीरो, और ये ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान टू, और ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान टू, ये हो जाएगा अल्फा थीटा, और इसमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। दिस इज ए थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ट्रांसलेशनल में आप पढ़े हैं उसी प्रकार से ये सब कुछ है। हमने बता दिया यू के बदले ओमेगा नॉट, वी के बदले ओमेगा, थीटा के एस के बदले थीटा, ए के बदले अल्फा, टी के बदले टी ही है। और जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है वैसे ही रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी टॉपिक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे प्लेलिस्ट में 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ उसमें दिया गया है, और बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो सब कुछ टाइम टू टाइम एग्जाम पीरियड में आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो।